हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हम एक करेक्टर स्केच को करेंगे जो कि साहिब का है और जो कि हमने लिया है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से, जिसके जो राइटर हैं अनीस चंग हैं और जो क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस छोटे से करेक्टर स्केच को। साहिब इज़ अ पुअर बॉय। अब जो साहिब है बहुत ही गरीब बच्चा है। ही इज़ अ रैग पिकर। वो कूड़ा बीनने का काम करता है। ही इज़ अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड। अब वो बहुत ही एक मासूम सा बच्चा है और बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है। ही लाइक्स टू गो टू स्कूल बट ही डजेंट गो देयर बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। अब वो स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन वो नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और स्कूल के पैसे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हिज नेम इज़ साहिबे आलम। इट मीन्स द ऑनर ऑफ द होल यूनिवर्स। अब जो उसका नाम है साहिबे आलम है और जिसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बट इट इज़ अ ग्रेट आयरनी दैट हिज नेम इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू हिज लाइफ। और लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो उसका नाम है वो उसकी लाइफ से टोटली ऑपोजिट है, टोटली डिफरेंट है। ही हैज़ टू स्ट्रगल अलोट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। अब उसको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। साहिब इज़ अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी हुज़ पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर 1971। अब साहिब एक कूड़ा बीनने वाला है जो कि सीमापुरी नाम के एक एरिए से है और जो उसके पेरेंट्स हैं वो बिलोंग करते थे बांग्लादेश को, जो कि 1971 में वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ सीमापुरी आ गए थे। साहिब्स पेरेंट्स बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। अब जो साहिब के पेरेंट्स थे वो बांग्लादेश में ढाका को बिलोंग करते थे, ढाका में वो रहते थे। वेयर दे लिव्ड एमिर्स्ट ग्रीन फील्ड्स, और जहाँ पर वो हरे भरे खेतों के बीच में रहा करते थे। दे एंड द अदर रैग पिकर्स लेफ्ट देयर होम्स मैनी ईयर्स एगो एंड माइग्रेटेड टू इंडिया इन सर्च ऑफ ए लाइवलीहुड। अब वो और उसके जैसे जो दूसरे रैग पिकर्स हैं जो कि अब सीमापुरी में रहते हैं, वो काफ़ी साल पहले 1971 के आसपास माइग्रेट हो गए थे और इंडिया में वो आ गए थे अपनी जीविका को खोजते हुए। As their homes and fields were destroyed in storms, और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, बाढ़ वगैरह आया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर और उनके खेत जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और वहाँ पर अब उनके सामने सबसे बड़ा जो संकट था वो उनकी रोटी का था। तो जिसको खोजते हुए वो लोग इंडिया आ गए और इंडिया में ही वो लोग अब रहने लगे। साहिब एंड हिज इंटायर फैमिली लिव इन सीमापुरी। साहिब और उसकी जो पूरी फैमिली है वो सीमापुरी में रहते हैं। इट इज़ अ स्लम एरिया लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्ट दिल्ली। तो ये जो स्लम एरिया है, जो कि झोपड़ी वाला जो ये एरिया है, ये ईस्ट दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है। द एरिया कंसिस्ट ऑफ मड स्ट्रक्चर्स विद रूफ ऑफ टिन एंड तारपोलिन। अब जो ये एरिया है ये छोटे छोटे मड स्ट्रक्चर्स के घरों को मिलकर बना है, जिसकी जो छत है उसकी छत के ऊपर या तो टिन लगे होते हैं या तारपोलिन की वो छतें बनाई जाती हैं। देयर आर नो फैसिलिटीज़ ऑफ सीवरेज ड्रेनेज और 24 आवर्स रनिंग वाटर। अब यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है सीवरेज की, और जो पानी है यहाँ पर 24 घंटे बहता रहता है गलियों में, नालियों में। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। और करीब कोई 10,000 के करीब जो ये रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, ये सीमापुरी में रहते हैं। साहिब रोम्स बेयर फुट विद हिज फ्रेंड्स। साहिब जो है नंगे पैर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। दे अपीयर लाइक बर्ड्स इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर टिल द आफ्टरनून। अब ये सभी बच्चे जो हैं सुबह सुबह पंछियों की तरह एकदम से नज़र आते थे और दोपहर होते होते ये एकदम गायब हो जाते थे। अब ऐसा क्यों था स्टूडेंट्स? क्योंकि ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते थे, तो ये लोग सुबह सुबह ही अपने इस काम को पूरा करके दोपहर तक एकदम फ्री मूड में हो जाते थे। सो द ऑथर कंपेयर्स द रैग पिकर्स टू द मॉर्निंग बर्ड। और इसीलिए जो ऑथर हैं वो रैग पिकर्स का कंपेयर किसके साथ कर रही हैं? मॉर्निंग बर्ड्स के साथ कर रही हैं, कि जैसे सुबह सुबह पंछी आके चहचहाने लगते हैं, उसी तरीके से ये रैग पिकर्स भी आकर एकदम से कूड़ा बीनने का अपना काम शुरू कर देते हैं।
The writer encounters him every morning with barefoot in her neighborhood. अब जो ऑथर है उनका जो सामना है उससे साहिब से रोज़ सुबह सुबह अपने पड़ोस में ही हो जाया करता था. एनकाउंटर्स का मतलब है सामना होना. ही इज़ स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. और वो क्या कर रहा होता था कि जो कूड़े के डम्प्स होते थे, ढेर होते थे, हीप होते थे, उसमें से गोल्ड को ढूंढ रहा होता था. तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो गोल्ड का मतलब सोने से नहीं है, तो गोल्ड का मतलब यहाँ पर उन वेस्ट चीज़ों से है स्टूडेंट्स, जो कि लोग कचरा समझ कर फेंक देते हैं और जिसके बाद जिनको ये इकट्ठा करके कैश में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं. हिज पॉवर्टी एंड पिटिएबल कंडीशंस ऑफ लाइफ फोर्स्ड हिम टू बिकम अ रैग पिकर इन सीमापुरी स्लम कॉलोनी ऑफ ईस्ट दिल्ली. तो ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी के स्लम कॉलोनी में जो उसकी गरीबी है और उसकी जो लाइफ की दुर्दशा है वो उसे एक रैग पिकर के रूप में जीवन बिताने के लिए मजबूर करती है. साहिब लाइक्स मैनी अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम वॉज अ रैग पिकर. और साहिब भी जो स्लम एरिया के बहुत सारे जो दूसरे बच्चे हैं उन्हीं की तरह एक रैग पिकर है. ही सर्च द रैग एंड गार्बेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट कॉइन्स. अब वो कूड़े की तलाश में रहता है कि कहीं उसे कूड़ा मिले और उसके बाद वो उसमें से सिक्के ढूंढने की कोशिश करता है. समटाइम्स ही फाउंड 1 रुपी कॉइन एंड समटाइम्स इवन 10 रुपीज़ कॉइन. और कभी कभी तो उसे 1 रुपी कॉइन उसके अंदर से मिल जाता है और कभी कभी उसे 10 रुपये तक के कॉइन्स भी उसमें से मिल जाते हैं. साहिब हैज़ ऑल्सो मैनी ड्रीम्स लाइक अ कॉमन चाइल्ड बट देयर इज़ नो वन अराउंड हीम हु कुड लिसन हिज साउंड ऑफ हार्ट. अब साहिब भी जो है दूसरे बच्चों की तरह बहुत सारे सपने देखता है लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उसके दिल की आवाज़ को सुन सके, क्योंकि उसकी जो गरीबी है वो उसे अच्छा जीवन जीने पर मजबूर नहीं करती बल्कि उसको हर एक स्टेप पर वो क्या करती है, शोषित होने के लिए छोड़ देती है. साहिब विशेस टू हैव 1 pair of shoes but because of his poverty he cannot buy them. और जो साहिब है उसकी एक इच्छा है कि वो एक जोड़ी जूते अपने लिए खरीद सके, क्योंकि वो नंगे पैर घूमता रहता है तो उसे लगता है कि उसके पास भी शूज़ होने चाहिए, लेकिन वो एक जोड़ी जूते भी अपने लिए नहीं खरीद पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है. साहिब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़का है, बहुत ही भोला भाला है. टू प्रूव दिस पॉइंट वी वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल हेयर. और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे. द ऑथर जोक्स विद साहिब दैट वेन शी गेट्स ए न्यू स्कूल बिल्ट विल यू कम टू स्टडीज देयर. अब जो ऑथर है वो साहिब से एक मजाक करती है और उसको ये पूछती है कि जब वो एक नया स्कूल बनवा लेगी तो क्या तुम वहाँ पर पढ़ने के लिए आओगे. तो साहिब बिकम्स वेरी हैप्पी टू हीयर दिस. अब साहिब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहता है और वहाँ पर पढ़ना चाहता है लेकिन क्योंकि फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता इसी वजह से वो स्कूल नहीं जाता. तो ये सुनकर वो सोचता है कि इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं. आफ्टर ए फ्यू डेज साहिब कम्स टू द राइटर एंड आस्क्स हिम इफ़ यू हैव गॉट द स्कूल बिल्ट. अब कुछ दिन बाद जो साहिब है वो राइटर को देखता है तो एकदम से उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना स्कूल बनवा लिया. देन द राइटर टेल्स हिम दैट नो आई हैड जोक्ड विद यू. तब राइटर उसको कहते हैं कि नहीं मैंने तो तुमसे मजाक किया था. नाउ साहिब डज नॉट स्पीक बिकॉज द होल वर्ल्ड जोक्स विद हिम लाइक दिस. अब साहिब जो है उसको कुछ नहीं कह पाता क्योंकि पूरी दुनिया ही उसके साथ इस तरीके से मजाक जैसे करती रहती है. ऑल द पीपल मेक प्रॉमिस टू हिम एंड देन आफ्टर दैट दे ब्रेक दोज प्रोमिसज. अब बहुत सारे जो लोग हैं जो ऐसे गरीब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रोमिसज वायदे कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उन वायदों को वो तोड़ देते हैं. पुअर साहिब सिट्स डाउन बिलीविंग दोज प्रोमिसज टू बी ट्रू एंड स्टार्ट्स गेटिंग हैप्पी. अब जो गरीब साहिब है वो उनके उन वायदों पर विश्वास कर लेता है और उसके बाद वो बहुत ही खुश होता रहता है कि उसका ये सपना अब पूरा होने वाला है. लेकिन वो इतना भोला भाला है कि नहीं जानता कि लोग इस दुनिया में गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं करते. थोड़े ही लोग होते हैं जो इन बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ इनके साथ खेल खेलते हैं.
He has taken up the responsibilities of his family from such a young age and he takes care of his family. और उसकी तो खुद की इच्छा क्या वो पूरी करेगा, अपनी छोटी सी उम्र में ही उसे एक बड़े इंसान की तरह अपनी फैमिली की टेक केयर करनी पड़ती है और उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उसे उठाना पड़ता है. साहिब वर्क्स एट अ टी स्टॉल वेयर ही पेड रेज 800 एंड ऑल मील्स. अब साहिब जो है एक टी स्टॉल पर काम करने लगा है और जहाँ पर कि उसे 800 रुपये मिलते हैं प्लस साथ में उसे खाना मिलता है. ही डजेंट लाइक टू वर्क बट इट इज़ हिज कंपल्सन्स. अब वो काम तो नहीं करना चाहता लेकिन ये उसकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि उसे अपना और अपनी फैमिली का पेट भरना है. साहिब कुडंट बी हिज ओन मास्टर एनी मोर एज ही एवर यूज टू बी. अब जो साहिब है वो हमेशा से अपना खुद का मालिक रहा है लेकिन अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है बल्कि अब उसे दूसरे के इशारे पर काम करना पड़ता है. जो टी स्टॉल का मालिक है वो उसे ऑर्डर करता है और वो उसे पूरा करता है, तो इसलिए अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है. ही कंसीडर्स द वर्क ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज बेटर विच ही यूज टू फील फ्री इन इट. अब वो ये कंसीडर करता है कि इससे अच्छा तो जब वो कूड़ा इकट्ठा किया करता था तो वही काम उसके लिए बेटर है क्योंकि उसमें वो कम से कम अपने आप को आज़ाद महसूस करता था. बट नाउ ही इज नो लॉन्गर हीज ओन मास्टर एट द टी शॉप. लेकिन इस चाय की दुकान पर तो अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है. हीज फ्रीडम हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम हीज. और उसकी जो आज़ादी है उससे छीन ली गई है, उससे कहीं दूर हो गई है. साहिब इज ओनली द करेक्टर ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए चाइल्ड दैट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड लेबर. अब स्टूडेंट्स जो साहिब है ये एक अकेला ऐसा करेक्टर है जो कि जो बच्चे हैं जो कि छोटी उम्र में ही चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं, बाल श्रमिक जिनको कहा जाता है, तो उन बच्चों के शोषण को दिखाने के लिए जो साहिब का करैक्टर है ये हमारे लिए अकेला ही काफ़ी है. इट शोज देयर आर मिलियंस चाइल्ड लाइक हिम हु कुड नेवर इन्जॉय देयर चाइल्डहुड. और ये दिखाता है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने बचपने को नहीं जीते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुँचे. Their dreams never come true. और उनके जो सपने हैं, इन गरीब बच्चों के जो सपने हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते. They lost their childhood and innocent dreams somewhere in this brutal world. और वो अपने सपनों को, अपने बचपनों को, अपनी मासूमियत को इस दुष्ट संसार में, इस बुरे संसार में कहीं पर खो देते हैं. उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई नहीं. चिल्ड्रन लाइक साहिब आर फोर्स टू लीव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन दिस वर्ल्ड. और साहिब जैसे जो बच्चे हैं वो गरीबी का जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं इस दुनिया के अंदर. तो स्टूडेंट ये था एक छोटा सा करेक्टर स्केच साहिब का जो अभी हमने देखा. मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.